बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमला हर्बलिस्ट, अपने चैनल केयर एंड क्योर में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, फ्रेकल्स, चाइयाँ, ब्राउन स्पॉट्स। फेस पर इस तरह की ब्राउन स्पॉट्स या मिलाजमा, फ्रेकल्स का आ जाना बहुत ही डिप्रेशन, इरीटेशन का सबब बनता है लेडीज़ के लिए। आज उनको रिमूव करने की बहुत ही सिंपल रेमेडी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरी अपनी भी आजमूदा है। और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगी तो विद इन 7 डेज़ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी, इसका मसाज करेंगी, तो आप देखेंगी कि फ़र्स्ट टाइम के एप्लीकेशन से ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम लेंगे 1.5 टीस्पून। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, पैचेस हो या ड्राइनेस हो जाए स्किन पर, या आपकी स्किन हील ना हो रही हो, फट गई हो, तो ये उसको बहुत अच्छे तरीके से सेट करना शुरू कर देती है। सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर, अरब गुलाब। हम 1 टीस्पून अरब गुलाब ले लेंगे। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सुहागा। ये आपको बहुत आसानी से पंसारी से मिल जाएगा। सुहागा हम लेंगे बिरया हुआ हुआ तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पार्टिकल्स इसके टूट जाएं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फिटकरी। ये तकरीबन 2 बड़ी चुटकियां होनी चाहिए फिटकरी। मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है खाने का सोडा। ये भी तकरीबन हम 1/2 टीस्पून मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून हमने खाने का सोडा इसमें मिक्स कर लिया। अब ये देखिए कि सब चीज़ों का आपस में केमिकल चेंज, केमिकल फंक्शन होना शुरू हो गया है। इस तरह से ये क्रीमी शेप में आना शुरू हो गया है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि ये जो झाग बन रहा है ये बैठ जाए और तमाम चीज़ों का जो केमिकल चेंज आना है वो आपस में अच्छे तरीके से फंक्शन हो जाए। अब आप ये देखिए कि झाग काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब हम इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास है लेमन। 3 ड्रॉप हमने लेमन जूस के ऐड किए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगी। उसके बाद अगर ब्राउन स्पॉट्स हैं या फ्रेकल्स हैं, पूरे फेस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकती हैं, नो इशू। जितने भी स्पॉट्स होंगे वो रिकवर हो जाएंगे। इससे आप देखेंगे कि स्किन भी बहुत स्मूथ और शाइनी हो रही है। इस रेमेडी को आप अपने फेस पर लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। उसके बाद अपने फेस पर छोड़ दें तकरीबन 1/2 आवर के लिए। देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।